देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नेशनल इंडिया न्यूज की टीम आज आपको एक बल्लमगढ़ में एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रही है जो घटना 2018 में हुई, इस पीड़ित परिवार के साथ हुई और अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ऐसी घटना इस परिवार के साथ एक बार फिर से घटित हुई है। आपको बता दें, पीड़ित का कहना है कि इनका बेटा राहुल जो घर से काम पर हर रोज की तरह काम पर गया मगर वापस नहीं आया। इनका कहना है, राहुल के फोन से एक मैसेज आया था जिसमें राहुल ने अपनी गाड़ी का एड्रेस बताया और मगर राहुल के परिवार वाले वहां पहुंचे तो देखा वहां राहुल की बाइक मिली और राहुल का सामान मिला मगर राहुल का कुछ पता नहीं चला। राहुल का मोबाइल फोन भी बंद मिला। राहुल के परिवार वालों ने पुलिस से मदद के लिए FIR बल्लमगढ़ सदर थाने में दर्ज करवाई जिसमें कि इनका कहना है कि अभी तक पुलिस से किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मिली है। इसी तरह से 2018 में इनका एक और बेटा जिसका नाम मोहित था वह भी इसी तरह से लापता हुआ था जिसकी अभी तक ना तो कोई सुनवाई हुई है और ना ही कुछ पता चला है। राहुल के परिवार वालों का कहना है कि राहुल की किसी खुशी नाम की लड़की से वह बात किया करता था और पुलिस को उसके बारे में बताया तो पुलिस से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। आइए मिलाते हैं आपको राहुल और मोहित के परिवार वालों से, आखिर क्या बीत रही है इस परिवार पर। इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, अब देखने वाली बात होगी कि इंसाफ मिल पाता है या नहीं। माता जी, आपका बेटा काफी दिन से लापता हो चुका है, जो कभी नहीं गया था, आपसे इतना दूर जा चुका है, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। आप पर क्या बीत रही है? आप पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, आपके इंसाफ की क्या कहेंगे आप इस बारे में? सुबह से शाम तक पूरे घर के आदमी, परिवार के आदमी सारे दिन डोल रहे हैं पुलिस थाने में, हाथ जोड़ते डोल रहे हैं, पर कोई लेकिन किसी पर कोई मदद नहीं मिल रही। कैसे नहीं मिल रही? सुनवाई ना कर रहे, ढंग से बात भी नहीं कर रहे पुलिस वाले। पहले हमें तीन बार लेके गए, कैसे भी कोई बात कर रहे हो जी, क्या कहना बताइए आप। हम पहले भी सर, पहला लड़का गया था, जब भी हमें पुलिस इलाहाबाद से आगे कोई यासिनपुर गांव में वहां लेके गई, हमने हर्जा खर्चा सब कुछ दिया, हमें पहले भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। पहले भी गए हमें इलाहाबाद से, तीन बार मुझे पुलिस ले जा चुकी है वहां पर, कोई भी आज तक न्याय नहीं मिला जी। पहले मेरे ही बच्चे जा रहे हैं और किसी, मतलब पहले भी मेरे साथ में ऐसा हुआ और आज भी यही हाल है। मतलब गाड़ी का बाउजर भी टूट रहा है, आप देख लो गाड़ी का। यानी आप चाहते हैं कि आपके जो कंप्लेंट है, आपका बेटा नहीं मिल रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं आप, आपके साथ इंसाफ हो और आपके बेटे का पता चले कहाँ है, किस हाल में है। मुझे कैसा भी इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई मदद नहीं मिल रही। क्या नाम है सर आपका? रोहित। सर, आपका भाई लापता है जिसमें कि आपने पुलिस में कंप्लेंट भी की, आपका कहना है पुलिस से किसी पर कोई मदद नहीं मिली है, जिसमें कि CCTV फुटेज में भी आपका भाई आ रहा है। पूरा डिटेल बताइए, क्या हुआ था, कब से आपका भाई लापता है और पुलिस से आपको क्या मदद मिली क्या नहीं? 15 मई की वारदात है जी। 15 मई को हमारा भाई मतलब 6:30 बजे से निकला था वो, मतलब उसको शाम को 6:30 बजे मतलब डेली कह के जाता था वो कि मैं हाँ जी आ जाऊँगा, 8:30 बजे तो वो आ जाता था। तो उस दिन वो उसका मतलब 9:30 बजे छोटे वाले भाई से बात हुई थी कि मैं सेक्टर 3 हूँ, मैं आ जाऊँगा, तो उसके बाद भी नहीं आया। फिर हम उस पर फ़ोन मिलाते रहे, छोटे वाले ने उसको 11:30 बजे उसके पास फ़ोन किया, तो अगर हाँ मैं आ जाऊँगा ऐसे सब बात है। बट फिर रात को 2:20, 1:10 पर पहले उसने इससे पैसे के लिए बोला कि भाई मुझे 110 रुपये कर दे दो। किसको बोला? छोटे वाले भाई को, टोल के लिए। क्या नाम था आपके भाई का? वैभव कौशिक। उसके एकदम सोए हुए थे तो हमें क्या पता, फिर उसने 2:20 पर फिर छोटे वाले के पास ये मैसेज करा कि गाड़ी दिखाऊँ मेरे पास खड़ी है, सुबह गाड़ी ले जाना। हम सुबह 4:30 बजे उठे तो हमने उसका मैसेज पढ़ा, फिर हम तो वहाँ वहाँ पर गाड़ी देखने नहर पर पहुँचे तो वहाँ गाड़ी में खड़ी हुई थी। कौन सी गाड़ी थी? नहीं मिला था बट उसका कुछ आता पता नहीं। फिर हमने आसपास वहाँ देखा ना, उसकी कोई चप्पल ना गाड़ी की चाबी कुछ नहीं, गाड़ी हमें लॉक मिली हुई थी। तो गाड़ी फिर हम सुबह चाबी हमारे पास दूसरी थी तो हम गाड़ी अपने घर ले आए सुबह। फिर हम तुरंत हम FIR बताने गए, FIR में हमने सारे डिटेल उनको बताया। कौन से थाने गए थे आप FIR लिखाने? MT Sector 68 सदर थाना। इंचार्ज वहाँ के हैं सुनील और IA वहाँ का अनिल कुमार जी। तो आज 20-22 दिन हो गए ना तो कोई सुनवाई हो नहीं रही। अनिल का उस टाइम पर बोला था कि इलेक्शन चल रहे हैं तो वहाँ ड्यूटी लगी है, ठीक है इलेक्शन खत्म हुआ है। फिर मंगलवार को उन्होंने हमें टाइम दिया, मंगलवार को वहाँ पहुँचे क्योंकि आज रिजल्ट है को 4 जून को, तो वहाँ से कोई नहीं। फिर कल हमने फोन किया, कल बोल रहा जी मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। फिर हमने उससे पूछा आप हमारे काम से आए हो या फिर अपने पर्सनली काम से आए हो, तो बोला नहीं मैं अपने काम से आया हुआ हूँ। फिर बोला कि एक महीने से अपने गाँव भी नहीं गया तो अपना गाँव जाऊँगा। किसने कहा आपसे? अनिल कुमार ने जी, जो आपके आईओ हैं।
तो उनकी तरफ से हमारे कोई रिस्पॉन्स मिला, 0% रिस्पॉन्स है जी, बिल्कुल अभी तक 1% नहीं है। और हम उनको नाम और हम डेली जा रहे हैं और जिन जिनका मतलब उन पे जो हमें ना उनको कोई बुला रहे ना उनको कोई पूछ रहे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कोई वो नहीं कर रहे हैं, कोई कोऑपरेशन नहीं है, जरा 0% कोई भी सुनवाई नहीं है, मतलब डेली जा रहे हैं। आप वैभव के पिताजी हैं, कोई अफेयर वगैरह वैभव का? राहुल एक बार मेरे साथ पहले भी हो गया, मेरा जो पहला लड़का गया था 11 मार्च 2018 को जी, वो भी आज तक नहीं मिला जी, ऐसे ही मतलब जिससे अफेयर है, क्या नाम है उस लड़की का? खुशी। खुशी, खुशी अपने घर में मौजूद है। तो ये चीज़ आपने जो आपके आईओ हैं आपने पुलिस को एक तरह की इस चीज़ के बारे में 100% श्योर हमने उनको ये बताया कि हमें इसी पर डाउट है, बट वो ना इससे कोई कार्रवाई कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और जिस दिन से जिस 15 रात जिस तारीख को वो गायब हुआ था 1.5 से 2 घंटे कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट हो रहा है, पूरी डिटेल कॉल डिटेल आ चुकी है उससे कॉन्टेक्ट में रहा है, बट उसने बस वो किसी मिर्जापुर का जो दोस्त हैप्पी नाम का ये बार बार उसका नाम ले रही है, बट हमने उससे भी पूरी कार्रवाई कर ली, पुलिस वालों ने कर ली, बट वो ये कहता है कि नहीं है नहीं है, वो भी उस दिन गायब था बट वो अपने मॉर्निंग में अपने वो घर आ गया था 7 दिन बाद आया, ठीक है जी। बट ये जो लड़की है बिल्कुल भी मतलब ये बोलते हैं कि हाँ मेरे उससे बात हुई थी, मैंने कितने टाइम से कांटेक्ट में था खुशी के? ये जी 2-2.5 महीने हमें शिफ्ट हुए हुए हैं, तो 4 मार्च से बात हो रही है जी। अभी क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या अपील करना चाहते हैं? हमारा जिंदा हो या मर्दो, हमारा लड़का। आपके भाई को कोई फोटो दिखा दीजिएगा, ये आपका भाई जो लापता हो चुका है, इससे पहले कभी कहीं गया था कोई, ऐसा कुछ हुआ कि सर कोई दुश्मनी कोई कोई लड़ाई कुछ भी नहीं है ना, किसी से दुश्मनी ना कुछ। और जिससे पहले अगर वो गया भी है ना तो बता के जाता था घर की मैं 1:30 बजे तक, उसका अपना दूध का काम है जी, बिल्कुल अपने दूध के काम को कभी जिंदगी में नहीं छोड़ा उसने। 2-2.5 बजे भी शादी वगैरह में जाता था ना, वहाँ से भी अगर आता तो पहले अपने काम पर जाता था, वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को देता था वो कभी, और हमको बता देता आज मैं शादी में गया हूँ, लेट आऊँगा तो मैं घर आ जाऊँगा। अभी आप ये चाहते कि जल्द जल्द पता लगे आखिर क्या हुआ, कहाँ है, किस हाल में है? नहीं है, कम से कम बस रिजल्ट चाहिए कि नहीं भी है तो कहाँ है और है तो कहाँ है। आप उनको ये चीज क्यों नहीं गए कि इन्वेस्टिगेशन आप किस चीज के कर रहे हैं, सारा कुछ हम करेंगे तो? जीरो रेस्पॉन्स है उनका, बोला कि आप देखो हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं, हम से कोशिश करेंगे आप ये बताइए। टोल टैक्स वगैरह वहाँ भी हमने इसको फुटेज हमने खुद निकलवा के लाए थे।